शाहरुख खान का 200 करोड़ का घर मन्नत इंडिया के टॉप 10 सबसे महंगे घरों में से एक है। बॉलीवुड के किंग खान दिल्ली से मुंबई अपना करियर बनाने को आए थे और अपने करियर की शुरुआत करने वाले हर नॉर्मल इंसान की तरह ही ये भी एक नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, जिस वजह से अपने करियर की शुरुआती समय किंग खान बांद्रा के एक 3BHK घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। सुपरस्टार शाहरुख खान के सक्सेस के पीछे नो डाउट उनकी मेहनत तो है ही, पर शाहरुख खान अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ साथ अपने घर मन्नत को भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, के अनुसार इस घर में आने के बाद उन्होंने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की है, इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम मन्नत रखा, क्योंकि उनको ये घर काफी मन्नतों के बाद मिला और उनके इस घर में आकर सारी मन्नतें भी पूरी हो गई। भले ही मुंबई में आने के बाद शुरुआती दिनों में इनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर हमारे सुपरस्टार की सोच बहुत ऊंची थी, जिस वजह से वे हमेशा से एक बड़े बंगलों में रहना चाहते थे और लगातार एक बड़े से घर की तलाश में थे। बाद में सन 1997 में यस बॉस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया, जो कि उस समय विला वियना के नाम से जाना जाता था। पर इस घर को पाने के लिए किंग खान को 4 साल का और इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस समय विला वियना के मालिक नरिमन दुबेश अपने घर को बेचना नहीं चाहते थे। पर 2001 में किंग खान ने नरिमन दुबेश को यह घर बेचने के लिए मना ही लिया और बाय कौशित भानु संजना ट्रस्ट को 13,32,00,000 रुपए देकर विला वियना को अपने नाम कर लिया। पर यह घर उस समय इतना आलीशान नहीं था, बाद में किंग खान ने इसे रेनोवेट कराया, जिसमें उनको 4 साल का समय और लगा। अब अमिताभ बच्चन की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होती है, पर एक फिल्म सत्य पे सत्ता इतनी पॉपुलर और जहां पर अभी SBI और सिटी बैंक का ऑफिस बना हुआ है। इसके अलावा अभी हाल ही में बच्चन साहब ने मुंबई में ही एक 31 करोड़ का आलीशान फ्लैट भी खरीद लिया। कई दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की कहानी कुछ अलग ही है। अक्षय कुमार को अपना घर पाने के पैसा तो देना ही पड़ा, पर उसके साथ उनको बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़ी। दोस्तों, ये बात अक्षय कुमार के स्ट्रगलिंग टाइम की है। उस समय अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था, पर पैसों की कमी के कारण वे अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी नहीं बना सकते थे। तब उन्होंने जैश नाम के एक मशहूर फोटोग्राफर के साथ असिस्टेंट फोटोग्राफर बनकर काम करने का निश्चय किया, जिसके बदले में फोटोग्राफर जैश ने अक्षय का पोर्टफोलियो बनाने का वादा किया और उसी वादे को पूरा करने के लिए वे और अक्षय जुहू के एक पुराने बंगलों में गार्डन में पहुंच गए। पर अक्षय उस समय एक आम इंसान थे, जिसे ज्यादा कोई नहीं जानता था, और इसी वजह से वहाँ के वॉचमैन ने अक्षय को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। पर किस्मत का खेल और अक्षय की मेहनत की वजह से कुछ सालों बाद उस बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ जो बंगला बनाया गया, उसे अक्षय कुमार ने पूरे 80 करोड़ रुपए देकर अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो अक्षय की प्रॉपर्टीज की लिस्ट दूसरों से थोड़ी लंबी है, क्योंकि इस जुहू वाले घर के साथ अक्षय का गोवा में खुद का एक विला भी है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ से ज्यादा है। इसके साथ साथ केवल मुंबई में ही अक्षय के करीबन 4 फ्लैट्स है और सभी की कीमत लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के नवाब खान सैफ अली खान के पुश्तैनी घर पटौदी पैलेस की। बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान को अपना खुद का पुश्तैनी घर हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी थी। दरअसल हुआ यूं था कि सैफ अली खान के दादाजी इफ्तिखार अली खान पटौदी, जो कि पटौदियों के 8वें नवाब भी थे, उनके कहने पर सन 1900 में पटौदी पैलेस का निर्माण कराया गया, जो कि बहुत आलीशान 150 कमरे का पैलेस था। पर सैफ के दादाजी की मौत के बाद ये आलीशान पैलेस सैफ के पिता मंसूर अली खान के नाम पर आ गया। पर अफसोस, उस समय सरकार ने नवाबों के राज पर रोक लगा दी थी। तब मंसूर अली खान ने निर्वाणा ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ मिलकर अपने घर के कुछ हिस्से को एक लग्जूरियस 5-स्टार होटल का रूप दे दिया। सन 2011 में सैफ के पिता की मौत के बाद भी उनका खड़ा किया गया ये व्यापार लगातार चलता रहा और इस पैलेस को निर्वाणा ग्रुप ऑफ होटल्स को लीज पर देने का निर्णय हुआ। 2005 से 2014 के बीच ये एक लग्जूरियस हेरिटेज होटल तो था ही, बल्कि यहाँ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों जैसे कि ईट प्रे लव, गांधी माई फादर जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई। बाद में सैफ अली खान ने अपने घर को पाने के लिए निर्वाणा ग्रुप को 800 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद वो पैलेस तो वापस सैफ के नाम आ गया, पर बाद में उन्होंने कुछ करोड़ रुपए और खर्च करके पटौदी पैलेस को अपने अनुसार रेनोवेट करवाया। धन्यवाद।